कर्मकार अवलिक कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 वर्कमेंस या इंप्लाई कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 गलत लिखा गया नहीं EMPLOY ठीक है employee ना सही है ठीक है वायु न देखिए तो employee है क्या दे रहा है वही ना वही लगवा रहा है ठीक है EMPL Y डबल ई हाँ सही लिखे थे ना यहाँ ओ वाई हाँ हाँ सही ठीक होता है कभी कभी एम्प्लॉय होता है एम्प्लॉय वर्कमैन्स एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 इसका नाम बदल करके 2019 में एम्प्लॉय कर दिया गया कर्मचारी ठीक है देखेंगे कि कर्मकार या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 किस प्रकार का श्रम विधान है बिल्कुल सही सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम विधान है सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम विधान है इस विधान के तहत उद्योगों में कारखानों में प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों की अस्थायी टेम्पोररी अस्थायी आंशिक परमानेंट पार्शियल अस्थायी पूर्ण परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट यानी विकलांगता हो जाती है तो उसे आय सुरक्षा दी जाती है उसे आय सुरक्षा दी जाती है इसकी एक लंबी कहानी है यह भारत का प्रथम जो है कॉम्पनसेशन देने वाला कानून है बहुत संघर्ष के बाद अंग्रेजी शासन ने यह कानून बनाई क्योंकि जब यह कानून नहीं था तो जब भी कर्मचारियों की उस समय कर्मकार कहा जाता था कर्मकारों की दुर्घटना होने पर हाथ कट गया पैर कट गया या मृत्यु हो गई तो क्षतिपूर्ति लेने के लिए ब्रिटेन के कॉमन लॉ के तहत न्यायालय में अपील करना पड़ता था कर्मचारी या उसके रिलेटिव को परिवार के लोगों को अगर न्यायालय द्वारा कर्मचारी के पक्ष में निर्णय दिया जाता था तो क्षतिपूर्ति प्राप्त होती थी अगर विरोध में आता था निर्णय तो क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त होती नियोजक कई तरह के दलील पेश करता था कि क्षतिपूर्ति से बच जाए क्योंकि अंग्रेजों की फैक्ट्री थी या उसके दलालों की जनवे करते हैं राज भले ही अंग्रेजों का शासन था लेकिन यहाँ रियासत होता था
रियासत अंग्रेज तो कम शोषण करते थे, ज़्यादा यहाँ का जमींदार और रियासत लोग ही शोषण करते थे, अपना ही आदमी अपने को शोषण करता था। तो आप देखेंगे तो होता था क्या कि वो कहता था न्यायालय में जाकर के नियोजक कि कल्पित जोखिम का सिद्धांत, कल्पित जोखिम का सिद्धांत, इसका अर्थ हुआ कि कर्मचारी मेरे यहां काम करने आया तो जानता था कि यहां जोखिम है, दुर्घटना घटेगी, फिर भी मेरे यहां काम किया, इसलिए इसके लिए नियोजक दोषी नहीं, इस आधार पर उसे क्षतिपूर्ति नहीं मिली। योगदायी उपेक्षा का सिद्धांत, उपेक्षा का सिद्धांत कहता था कि कर्मचारी काम करने मेरे यहां आया लेकिन उसको काम दिया गया था बिजली बनाने को वो, और काम कर दिया मशीन बनाने का, इसलिए वो जोखिम उपेक्षा किया काम का, पंखा बनाने को दिया दूसरा काम करने लगा, टेबल बनाने को दिया पंखा बनाने लगा, माने जो काम दिया गया वो काम नहीं किया, इसलिए उसकी दुर्घटना में जो भी घटना घटी है, हाथ पैर टूटा है या मृत्यु हुई है, इसके लिए नियोजक दोषी नहीं है। सहयोगी के उपेक्षा का सिद्धांत कहता था जब ये दलील, जब ई दलील ई दलील जब नहीं चलता था तो यह दलील पेश करता था कि ये दुर्घटना जो है उसके सहयोगी के कारण हुई है, धक्का दे दिया। नहीं जी, आप लोग घटना नहीं जानते होंगे या सुने होंगे, हो सकता है, एक दिव्या भारती हीरोइन हुआ करती थी, हम लोग उस समय पढ़ते थे तो फिल्म देखते थे, हाँ प्रैक्टिकल करके चल जाते थे फिल्म देखने, उसी का सिनेमा लगे रहता था, एक साल में 16-17 को हिट फिल्म ली थी, अभी उम्र था 17-18 साल का, 20 साल में तो मर ही गई। तो वो जो है उसको धक्का दे के गिरा दिया गया छत पर से, मर गई, कहीं कुछ नहीं हुआ, दलील पेश करते रहिए, कहाँ पेश किए, कौन धक्का दिया, कौन, बाद में आरोप लगा संजय दत्त ने मार दिया, संजय दत्त काहे के लिए मारा, उसका हस्बैंड ने मार दिया, कुछ ऐसे कारण रहे थे मार। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ये सहयोगी की उपेक्षा के कारण भी, देख रहे हैं आजकल जमाने में कैसे आ रहा है, पति पत्नी को मार दे रहा है, पत्नी पति रोज सुनते हैं, दोस्त दोस्त को मार दे रहा है, क्या सहयोगी कह रहे यार नहीं पक्ष से पटता है, ठीक है अलग रहो, मार झगड़ा करने की क्या जरूरत है, क्या चलिए सहयोगी के उपेक्षा का सिद्धांत, दोनों की मृत्यु का सिद्धांत, कर्मचारी नियोजक की मृत्यु का सिद्धांत, यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी तो नियोजक कहता था कि कर्मचारी की मृत्यु हो गई अब किसको हम देंगे, इसलिए हम क्षतिपूर्ति नहीं दे सकते। हाँ दूसरा अंग्रेज, अच्छा सरकार उसकी रहेगी तो किसके पक्ष में कानून बनेगा, हाँ हेलो, हाँ नमस्कार, हाँ ठीक है आइए, ये पटना यूनिवर्सिटी मेन गेट के सामने, हाँ अशोक राजपथ, पहले आइएगा तब ना, हमें मैं क्लास ले रहा हूँ, आइए, हाँ तो दोनों की मृत्यु का पता था, नियोजक की मृत्यु हो गई, जब नियोजक की मृत्यु हो जाती थी तो जो उसका उत्तराधिकारी होता था
वो कहता था कि तो मर गया, अब पैसा कौन देगा? अब तो कोई किसी में श्रमिकों की या जो है कर्मचारियों की स्थिति ठीक नहीं थी। तब यह सीधा कानून केंद्र सरकार द्वारा बड़ी दबाव के बाद यह भारत का प्रथम सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया और इसमें व्यवस्थाएं की गई कि कर्मचारी की दुर्घटना किस कंडीशन में होगा तो क्षतिपूर्ति मिलेगी, किस कंडीशन में होगा तो क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, यही इसके अंतर्गत व्यवस्था है। अब इसके अंतर्गत क्वेश्चन क्या क्या बनेगा ये हम लिख देते हैं आज। देखिए लिखिए प्रश्न, कर्मकार की परिभाषा दें। दूसरा, विकलांगता की परिभाषा दें। तीसरा, आश्रित की परिभाषा दें, डिपेंडेंस। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का उद्देश्य बताएं। कर्मकार या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करें। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के बंटवारे की व्याख्या करें। अगला, नियोजन के दौरान हुई दुर्घटना संबंधी प्रावधानों को लिखे। नियोजन के बाहर हुई दुर्घटना पर नोट लिखें। कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त कौन है? इनके कार्य बताएं, कार्य बताएं।
इनके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। स्पष्ट करें। नेक्स्ट, विस्तार क्षेत्र पर नोट लिखें। देख रहे हैं, एक सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी चढ़ा है, तीसरा सीढ़ी चढ़ा है ना, क्वेश्चन की संख्या बढ़ रहा है ना। पहले ही दिन तीसरा श्रेणी चढ़ाते, अब भट से ना गिर जाते। नहीं, जिन लोग का छूट जाएगा ना, छूटा है ना, फिर पढ़ाएंगे उसको, सैटरडे संडे बुला करके पढ़ाएंगे।